आप देख रहे हैं जेटी न्यूज ऐसी की तैसी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज और कार्यक्रम है ऐसी की तैसी। इसमें हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर और प्रोफेसर रह चुके आर एस श्रीवास्तव जी। इनसे हम चर्चा करेंगे। विषय है हमारा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार रामचरितमानस का अपमान तो कर ही रहे हैं, लेकिन कल उनके बेटी के बेटे यानी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से सांसद है, उनके बेटे की शादी थी तो उन्होंने कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बुलाया था और वहां पे बाकायदा उनका पूजन अर्चन किया गया। ऐसे में पहला प्रश्न आपके श्रीवास्तव जी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से रामचरितमानस का अपमान हो रहा है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं एक ओबीसी वर्ग को बुद्ध या बौद्ध धर्म की तरफ मोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, मानते हैं इसको? ये आपका जो प्रश्न है ये अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म देता है, लेकिन अगर मुख्य प्रश्न पर हम आए आपके, तो अब मैं देखता हूं कि इस चर्चा की शुरुआत क्यों हुई। रामचरितमानस की निंदा बिहार में शुरू हुई, लौट के लखनऊ में आई। लखनऊ में जो एक फ्यूज बल्ब की परिभाषा मैं कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज की परिवेश में, आज के परिदृश्य में एक फ्यूज बल्ब से ज्यादा उनकी अहमियत नहीं। सूखा हुआ आप या फ्यूज बल्ब, ये फ्यूज बल्ब उन्होंने कहा। अब ये उसने लिखे, 5 साल बीजेपी में रहे, 5 साल मलाई खाई बीजेपी में रहे के मंत्री रहे, मलाई खाई, तब उनको रामचरितमानस या आज पैदा हुए, उन्होंने आज ही पढ़ी है, पहली बार पढ़ी है। ये थोड़ा सा प्रकाश डालने दीजिए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। नहीं, आप प्रकाश डालिए, लेकिन ये देखिए, तब तो उनको बीजेपी की इसकी याद नहीं आई, रामचरितमानस की कि ढोल गवार सूत्र पसनारी सब हैं, ताड़न के अधिकारी और सूत्र ढोल गवार सूत्र पसनारी जिस प्रसंग में कहा गया है उसका भी तो आपको प्रसंग सहित व्याख्या देनी चाहिए उसकी। अब ये उसको जिसके पीछे सोची समझी राजनीति और कुछ नहीं, राजनीति है। अब थोड़ा सा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो अखिलेश यादव को भी उसमें एक अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। वो किरण है एक जाति विशेष का समुदाय का वोट बैंक। कि इस अगर इसका ढोर गुमार सूत्र पसंदारी को सूत्र को मतलब उसको लाइमलाइट में लाने के बाद इसको हम इसी को केंद्र बिंदु बना करके और ताड़ना के लिए अगर यही पैदा हुए हैं, इस चीज को प्रोपगेट करके मत भ्रम करके और भ्रमित करके जनता को, वो उनको सेग्रीगेट करना चाहते हैं फ्रॉम द कोर वोट बैंक ऑफ बीजेपी। अच्छा, एक हमारे यूजर प्रश्न करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तुम तो बौद्ध हो, पहले बौद्ध ग्रंथों को संशोधित करवाने की लड़ाई लड़ो, आप रामचरितमानस की लड़ाई लड़ रहे हो, हिंदुओं की आस्था के केंद्र रामचरितमानस पे बोलने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म में एक है बोध तत्व, हीन कुलो नीच कुलो चंडाल कुलो रथ कुलो में पैदा नहीं होते, केवल 2 ही कुलों में उत्पन्न होते, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय। जब ब्राह्मण का वर्चस्व होगा तब ब्राह्मण कुल में, और जब क्षत्रिय का वर्चस्व होगा तो क्षत्रिय कुल में जो है बोधिसत्व पैदा होंगे। तो ये तो अपमान है शूद्रों का, इस पे स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोलते? इसलिए बोलेंगे कि उनका पर्पस दूसरा है, उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि वो जब चुनाव भी हार गए बीजेपी को छोड़ने के बाद और समाजवादी पार्टी उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, आज की तारीख में उनकी एक स्थिति क्या है? हमारे कहावत थी कि घर धोबी का कुत्ता घर का नगाट का, तो वो स्थिति जब आ गई थी तो वो करेंगे क्या? मैं आपको रोकना चाहूंगा, लगातार जिस प्रकार से रामचरितमानस की चौपाई का हवाला देके रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा, पहला दूसरा क्या हम किसी धर्म में इस प्रकार से हवाला देके किसी चीज का अपमान कर सकते थे? बहुत धर्म में बहुत चीजें लिखी हुई है, धर्म नहीं कहेंगे, माफी चाहूंगा, मैं धर्म नहीं कहूंगा, पंथ कहूंगा, मजाक कहूंगा, मैं आगे कहना चाहूंगा। हाँ तो सर, इसके लिए पीछे उनका देखिए ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, उनका पर्पस ये नहीं है, उद्देश्य ये नहीं कि साहब मैं बौद्ध धर्म या बौद्ध हूँ या बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ, रामचरितमानस को कंडेम कर रहा हूँ, उसकी भर्त्सना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उनके पीछे और भी लोग हैं, एक्चुअली हकीकत ही यही है,
पुनीत जी की आज की तारीख में जो हो रहा है बड़ा हास्यास्पद है। और दूसरी चीज ये ये कैमरा है सामने, ये दूसरी चीज ये है, अरे जिसके लिए कर रहे हैं आप देखिएगा कि जो इनकी हालत अभी है। कैमरे में देखिए, दर्शक आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, दर्शकों को सीधे ये बताइए, अगर कोई हिंदू होके और कुछ बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है और हिंदू होके बोलता है तो मौर्या हिंदू में तो आएंगे ओबीसी में। बिल्कुल, तो ये खुलेआम जिस प्रकार के अपमान कर रहे हैं, क्या किसी और मजहब या पंथ में अपमान कर सकते थे? आपको पता है नूपुर फलाना वाला केस? अच्छे से पता है, हम आप भी डरते हैं कैमरे में बोलने से, सच बात है कि नहीं बात है? किसी और धर्म के विरुद्ध अगर एक शब्द ही बोल रहे तो उनका आसर क्या? और कितने फतवे जा रहे हैं उस महिला के लिए? पता है, लेकिन वो चूंकि जानते हैं कि हिंदू धर्म के विरोध में, सनातन के विरोध में कुछ बोलेंगे तो वो गैंग कहाँ है? क्योंकि वो गैंग, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जो टिप्पणी किया था नूपुर शर्मा पे कि आपने जो है हिंसा फैलवाई? तो आपने सुना होगा, जब एक मत वाले लोग मिल जाते हैं तो मताविलंबी हो जाते हैं, उनकी भीड़ हो जाती है, तो वो तो दोहरा चरित्र नहीं अपनाया जा रहा है, दोहरा गहरा चरित्र आप कहते हैं कि आपके हिसाब से है, उनके हिसाब से उनका अगर उल्लू सीधा हो रहा है, एक वोट बैंक में आ रहा है, बड़ा प्रश्न है क्या ये टूलकिट है? ये टूलकिट का पार्ट अखिलेश जी इसको एज ए टूलकिट देख रहे, 24 का इलेक्शन उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, जैसे अर्जुन को खाली मछली की आंख दिखती थी उनको 24 का इलेक्शन दिख रहा है, और वो 19 के इलेक्शन में 19 मिला लिए लोकसभा चुनाव में 19 में ये मात्र 5 सीटें पड़ी थी, आज वो तड़प रहे हैं जो थर्ड फ्रंट के पार्ट बन गए हैं। थर्ड फ्रंट में उनको अगर कुछ नहीं मिली 5 से 10-12 सीटें तो उनकी भाई आदमी तभी तो जोर से बोलता है अपनी कोई अमीर बनाने के लिए, वो बनाने में फ्रंट बनाने में उनके महत्व उनकी महत्ता खत्म हो जाएगी अगर उनके पास ताकत नहीं होगी, ताकत कहाँ से आएगी? मैं आपसे वो कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपसे सीधे ये प्रश्न करना चाहूंगा, हमारे इतने शंकराचार्य चार शंकराचार्य जो हैं चारों पीठों से, इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने हिंदू धर्म अनुयायी हैं, इतने नेता हैं, तिलक लगा के घूमते हैं, इनको शर्म नहीं आती ये व्यक्ति इनकी धर्म धर्म या रामचरित मानस का अपमान कर रहा है? बड़े बड़े नेता छत्री नेता बनते हैं, बड़े बड़े हिंदू नेता बनते हैं, क्यों नहीं इनको पकड़ते हैं? ये तो खुद उनको देखिए, इसमें तो सीधी सीधी गड़े थे सर, वो विभिन्न विभिन्न मतावलंबी विभिन्न पार्टियों में है, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है, वहां पे जो सनातनी है सनातनी, अंदर से सनातनी है, लेकिन चूंकि पार्टी का एजेंडा उनको चलाना है इसलिए पार्टी की तरफ राय रखेंगे सामने, इसमें मतलब चुप्पी साधे चुप रहेंगे, इसीलिए आज की आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो वर्तमान वातावरण है और जिस प्रकार से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, अपने एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो नैरेटिव की तरीके से है, उसमें अगर कोई फायदा उठा सकते हैं तो सोच रहे हैं कि अंधेरे में तीर जलाते हैं, हो सकता है कुछ हाथ में आ जाए, मगर ऐसा होने वाला तो ये कहां तक जाएगी लड़ाई? नहीं हो, कहां तक जाएगी सर? ये खत्म हो जाए चुनाव तक है? बिल्कुल गुब्बारा है, एक मिनट में फूस होने वाला है, आप देखिए आप आहत हुए थे कि नहीं हुए थे? बिल्कुल, हर हिंदू को आहत होगा, हर सनातनी आहत होगा। तो दोस्तों हमारे साथ पेशे से पत्रकार मशहूर मतलब सीनियर जर्नलिस्ट कह सकते हैं, एंकर सकते हैं, एसोसिएट एडिटर श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बाखूबी से तरीके से बात रखी और पारदर्शिता बताई किस प्रकार से बौद्ध धर्म का पालन करके हिंदू धर्म में अपमान किया जा रहा है, और ये एक टूल किट का हिस्सा है। ऐसे ही ऐसी की तैसी में लोग ऐसी की तैसी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और अलग टॉपिक पे भी बनाए। बिल्कुल, ऐसे की ऐसी करते रहेंगे, कार्यक्रम में बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नए नए टॉपिक लाई नई नई बात करेंगे। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।